हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आर लर्निंग। आज हम पढ़ेंगे फास्ट ट्रैक कोर्स के बारे में। तो फास्ट ट्रैक कोर्स के बारे में डिटेल में जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। अब फास्ट ट्रैक कोर्स होती क्या है? दीज कोर्स हैव बीन सेट अप टू एक्सपेडाइट लॉन्ग पेंडिंग केसेस इन वेरियस कोर्ट्स ऑन प्रायोरिटी बेसिस। इन कोर्ट को सेटअप किया गया था जो भी लॉन्ग पेंडिंग केसेस थे, जिन पे जजमेंट नहीं आ पा रहा था, उनको निपटाने के लिए। कौन से कोर्ट में वो केसेस पेंडिंग थे? हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और प्रायोरिटी बेसिस से, मतलब उनको सुपीरियर रखा जाता था और जल्दी निपटाने के लिए उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजा जाता है। और स्टेट कौन कौन से केसेस को प्रायोरिटी पे रखती है? वो होते हैं जहाँ पे ऑफेंस अगेंस्ट होता है सीनियर सिटीजन्स, वुमेन, चिल्ड्रन एंड फिजिकली डिसेबल पर्सन। इन इनसे रिलेटेड जो भी केसेस होते हैं उनको प्रायोरिटी पे रखा जाता है। दीज कोर्ट्स टेक अप मैटर पेंडिंग फॉर 3 ईयर्स एंड मोर। 3 या 3 से ज़्यादा साल तक जो केसेस पेंडिंग रहते हैं उन केसेस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजा जाता है और उनको डिस्पोज ऑफ किया जाता है विद इन अ गिवन टाइम फ्रेम। एक टाइम फ्रेम दे दिया जाता है और उसी टाइम फ्रेम के अंदर अंदर उन केसेस को डिस्पोज ऑफ करना होता है। करंट सिनेरियो के बात करें तो रिसेंटली लॉ मिनिस्टर ने कहा था कि 14th फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पे 1800 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को सेटअप करना था, लेकिन करंटली टिल द डेट 31 जुलाई 2022 हमारे कंट्री में अभी 896 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं, जिसमें भी 13.18 लाख कोर्ट केसेस पेंडिंग हैं। इसका ये कंक्लूजन होता है कि जितने कोर्ट फास्ट ट्रैक कोर्ट बनने चाहिए या सेटअप होने चाहिए उसके आधे सेटअप हैं और उसमें भी 13.18 लाख केसेस पेंडिंग हैं। और जो नॉर्मल कोर्ट्स हैं, जो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के अंदर नहीं आते हैं, उन्में तो करोड़ों केस पेंडिंग हैं। उन्हीं पेंडिंग केसेस को निपटाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाई गई हैं, लेकिन स्टिल कुछ सिस्टमैटिक ड्रॉबैक्स के चलते जो फास्ट ट्रैक कोर्ट जिन्हें जल्दी केसेस निपटाने होते हैं उसमें भी केसेस लाखों में पेंडिंग हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की हिस्ट्री देख लेते हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैव बीन सेट अप फॉर अ लॉन्ग टाइम विद द फर्स्ट वन बीइंग एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 2000 में सबसे पहली फास्ट ट्रैक कोर्ट को सेटअप किया गया था। 11th फाइनेंस कमीशन ने अप्रूव किया था 1734 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स इंडिया में सेटअप होने चाहिए फॉर द एक्सपेरिमेंटल पीरियड ऑफ 5 ईयर। 5 साल के लिए ही उन्हें सेटअप किया गया था। सबसे पहले रेकमेंड ही 11th फाइनेंस कमीशन ने किया गया था जब पहला फास्ट ट्रैक कोर्ट सेटअप हुआ था। इनिशियली इट वाज एस्टैब्लिश्ड फॉर 5 ईयर्स। उसके बाद 2006 से इसके टेन्योर को हर बार एक्सटेंड किया गया है। इन 2012 दिल्ली में एक केस हुआ था, रेप केस, निर्भया रेप केस। उसके बाद गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया टू सेटअप 6 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स इन दिल्ली विच ओनली डील्स विद द सेक्सुअल असॉल्ट केसेस। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के बेनिफिट क्या क्या होते हैं? लेसनिंग द बर्डन ऑफ द कोर्ट्स। जो नॉर्मल कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, अगर कुछ केस उनके वहां से उठ के फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले जाते हैं तो उनका बर्डन थोड़ा कम हो जाता है। वैसे भी हमारे कोर्ट्स में करोड़ों केस आज की डेट में पेंडिंग हैं। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैव प्रमोटेड स्पेशलाइजेशन ऑफ कैटेगरी ऑफ लॉ। जैसे कि मैंने बताया कि कुछ स्पेशल केसेस ऑफेंस जो होते हैं, जैसे अगेंस्ट सीनियर सिटीजन या वुमेन, चिल्ड्रन, फिजिकली डिसेबल या सेक्सुअल असॉल्ट से रिलेटेड जो केसेस होते हैं वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाते हैं, तो एक स्पेशलाइजेशन हो जाती है। अगर हम एक ही काम को बहुत बार करते रहेंगे तो हम भी उस चीज में महारत हो जाते हैं। तो अगर एक ही तरीके के केसेस फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाएंगे तो वो उस चीज में स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं।
बूस्ट द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द जुडिशरी, हाई केस क्लियरेंस रेट एंड स्पीडी ट्रायल रेट हो जाता है, क्योंकि जल्दी जजमेंट आता है तो ट्रायल भी जल्दी खत्म हो जाता है और केस भी जल्दी डिस्पोज ऑफ हो जाता है। गारंटीज कंसिस्टेंसी एंड प्रिडिक्टेबिलिटी, यहाँ पे जो केसेस जाते हैं ये जो कोर्ट होती है कंसिस्टेंट रहती है कि अगर कोई भी एक्स वाई जेड केस है उसको अगर 2 साल में डिस्पोज ऑफ करना है तो करना ही है। और जो फास्ट ट्रैक कोर्ट को अप्रोच करते हैं तो वहाँ पे भी एक प्रेडिक्टेबिलिटी हो जाती है कि एक तो 2 साल में जजमेंट आ ही जाएगा। अगर कोई भी इंसान अपना फ्यूचर प्लान कर रहा होता है तो वो उस फास्ट कोर्ट में वो केस जाने से वो उस हिसाब से प्लानिंग कर सकता है कि हाँ वहाँ अगर 2 साल में केस डिस्पोज ऑफ होना है तो हो ही जाएगा और वो अपना फ्यूचर प्लान कर सकता है। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं? कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट के, जैसे कि कुछ केसेस में फुल जस्टिस नहीं हो पाता है। नॉर्मली जो कोर्ट्स होते हैं वो जस्टिस करने में टाइम लेते हैं, कई बार 6-7 साल 10-12 साल लग जाते हैं जजमेंट आने में, बिकॉज वो ईच एंड एवरी आस्पेक्ट को अच्छे से एग्जामिन करते हैं और जो भी एविडेंसेस होते हैं उनको अच्छे से एग्जामिन करते हैं। बट इन केस ऑफ फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, क्योंकि उनको लिमिटेड टाइम दिया जाता है कि पर्टिकुलर केस को डिस्पोज ऑफ करने के लिए, तो कई बार प्रॉपर एग्जामिनेशन नहीं हो पाता है। और कई बार तो किसी किसी केस में ऐसा भी होता है कि लोगों को ऐसे केस में भी सजा मिल जाती है जो उन्होंने किया ही नहीं होता है इन नेम ऑफ स्पीडी ट्रायल। सेकेंडली क्या होता है, इट टेम्पर्ड द सब्जेक्ट मैटर एंड लोअर द प्रोफेशनलिज्म ऑफ जजेस, जैसे कि फास्ट ट्रैक कोर्ट सिर्फ और सिर्फ एक लॉ कैटेगरी में डील करती है, तो उससे क्या हो जाता है, इट लोअर्स द एबिलिटी ऑफ जजेस टू डील विद द अदर केस लॉ कमिंग अंडर डिफरेंट लॉ। ऑब्वियस है, अगर हम किसी एक पर्टिकुलर काम को करते रहेंगे तो फिर हमें दूसरे काम में करने में डिफिकल्टी आती है। तो सेम विद द जजेस, वो अगर एक ही तरीके के केस लेते रहेंगे तो फिर अगर जब भी उनका ट्रांसफ़र होता है या वो कहीं और जब नॉर्मल कोर्ट में जाके बैठते हैं तो वहाँ पे उनको डिफ़िकल्टी आती ही है। सो दीज आर द बेसिक ड्रॉबैक ऑफ द फास्ट ट्रैक कोर्ट्स। अब देख लेते हैं रियलिटी चेक, एक्चुअली में क्या सिनेरियो है हमारे फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का। इट इज़ ऑफन नोटेड दैट द पॉलिसी एंड रेगुलेशंस आर पास विदाउट कीपिंग इन व्यू द ग्राउंड रियलिटीज। ये लाइन अच्छी है, इसको हम और भी किसी आंसर में यूज कर सकते हैं, मतलब ग्राउंड रियलिटी को मद्देनजर ना रखते हुए कई बार पॉलिसी एंड रेगुलेशन बनाई जाती, कई बार नहीं अक्सर बनाई जाती है। अब इसमें क्या कर सकते हैं, जो स्टेट है एंगेज विद द प्रिंसिपल एंड द सीनियर जजेस टू गेट द सेंस ऑफ इशूज द कोर्ट आर फेसिंग इन वेरियस डिस्ट्रिक्ट। जो स्टेट है वो सीनियर और प्रिंसिपल जजेस के साथ एक मीटिंग कर सकता है या उनको इन्वॉल्व कर सकता है ये डिसीजन लेने के लिए कि जो नॉर्मल कोर्ट्स हैं या जो भी फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं उनको क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं, क्योंकि फास्ट ट्रैक कोर्ट बना देने से ही सारे केस ख़त्म नहीं हो जाएंगे, मतलब एक नॉर्मल कोर्ट में भी बहुत सारी कमियाँ होती हैं, जैसे कि इक्वल अटेंशन मस्ट बी पेड टू बोथ मेट्रोपोलिटियन एंड फार फ्लंग नॉन मेट्रोपोलिटियन एरिया। जैसे कि अगर कोई भी दिल्ली की कोर्ट में जाते हैं तो ऑब्वियस है यहाँ की कोर्ट बहुत मतलब वेल एडवांस है, वहाँ पे सारे इक्विपमेंट्स हैं, बट ऐसा हर कोर्ट में नहीं है। मतलब अगर दिल्ली के बाहर या कहीं दूर दराज की कोर्ट्स में जाएंगे तो वहाँ ऐसा नहीं है, सारे इक्विपमेंट्स नहीं है, आज भी शायद वहाँ पे फाइलों में काम होते हैं। दोनों तरीके के कोर्ट्स को इक्वल अटेंशन देने की ज़रूरत है। सम क्रिटिकल इशूज लाइक कोर्ट स्टाफ, इम्प्रॉपर फिजिकल इक्विपमेंट्स, IT इंफ्रास्ट्रक्चर, अंडर स्टाफ फॉरेंसिक लैब्स, सम बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द कोर्ट उनके डे टू डे फंक्शनिंग के लिए काम आती है, उनको अच्छे से एड्रेस किया जाना चाहिए। मतलब क्या क्या इश्यूज कोर्ट फेस कर रहे हैं उनको भी एड्रेस किया जाना चाहिए और उनको स्टेट के द्वारा रिजॉल्व किया जाना चाहिए, बिकॉज दीज फैसिलिटीज आर द बैकबोन ऑफ द कोर्ट्स। तो अगर बैकबोन में ही प्रॉब्लम है
तो फिर कहाँ से जजमेंट मिलेगा? तो उन सब चीज़ों को रिजॉल्व करेंगे तब जाके जजमेंट जल्दी आने की उम्मीद कर सकते हैं। फॉर द ओवरऑल सिस्टम टू वर्क प्रोडक्टिवली इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इंश्योर दैट इट्स वेरियस कॉम्पोनेंट्स वर्क एफिशिएंटली एंड विदाउट एनी हिंड्रेंस। ऑब्वियस है कि अगर एक प्रोडक्टिव कोई भी काम हम कर रहे हैं उसका अच्छा रिजल्ट आए उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि वर्क जो काम है वो ईजली हुए बिना किसी रुकावट के। इस लाइन को भी हम किसी और आंसर में भी यूज़ कर सकते हैं। तो कोई भी काम हो अगर कोई इवन कोई पॉलिसी भी बनाई जाती है या कोई स्कीम भी लाई जाती है अगर वो एफिशिएंटली उसके कंपोनेंट्स काम नहीं करेंगे और अगर उसमें किसी भी तरीके की रुकावट आती रहेगी तो वो पॉलिसी या इस तरीके की फास्ट ट्रैक कोड बनाने का फिर कोई मतलब नहीं बनता है। तो वही बात है कि पॉलिसी स्कीम्स बना दी जाती हैं लेकिन लोगों को बेनिफिट नहीं मिलता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फास्ट ट्रैक कोड। आई होप सबको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।